उमरिया जिले के बस स्टैंड में किसान मेला आयोजन हुआ। किसान उत्पादन संघ स्वयं सहायता समूह को खेती बागवानी से जोड़कर उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की पहल की जा रही है। इससे खेती में बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। प्रदेश सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने का निर्णय लिया था, उसी के अनुरूप अपनी नीतियां बनाई, सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। यह विचार रविवार को बस स्टैंड परिसर में आयोजित किसान मेले के दौरान मुख्य अतिथि बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह ने व्यक्त की। एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किसान को आधुनिक खेती हितलाभ बांटने तथा नवीन कृषि यंत्रों के वितरण हुआ जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया था। विधायक ने कहा, किसानों को खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं के लिए किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआरों के क्रेडिट कार्ड, पशुपालन करने वालों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। कई किसानों को प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ज्ञानवती, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर धनुषधारी सिंह, श्रीमती कुसुम सिंह जनपद अध्यक्ष करकेली, कृषि विभाग उप संचालक राम खेलावन डहरिया, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी आर्यन सिंह परिहार, संबंधित सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। क्या समस्या जो पैसा है 10,000 रुपया है वो आज तक मेरे को नहीं मिला और पटवारी साहब को खाता नंबर भी दिया। सरकार करी किसानों को पैसा है, पशुपालन हो गया, यहाँ तो फोटो को कागज दिया, पैसा भी आज नहीं लग जाएगी लेकिन अभी तक नहीं लगा। किसान का लाभ तो खाद भी मिल रहा है। नारायण सिंह कहाँ से आए हैं? महुआ। ये किस कार्यक्रम में आए हैं? ये किसान मेला में आए। क्या हो रहा है, क्या मिला लाभ? मेला यही है, कृषि यंत्र जो लेना हो तो ले लीजिए। और क्या मिल रहा है? और तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस अभी भोजन मिल रहा है और कृषि यंत्र मिल रहे हैं बस। नहीं, 6,000 तो मिला है लेकिन 4,000 जो अपन एमपी के सरकार देने वाली थी वो अभी तक नहीं दी है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो जो किसान सम्मेलन 19-20 और 20-21 का हमने संयुक्त रूप से आज किया है और इसमें हमने उन्नत किसानों को सम्मानित किया है, कैश तो उनको कुछ धनराशि से सम्मानित किया है और इसके अलावा सभी कृषि से जुड़े हुए विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें किसान भाइयों को जो समस्याएँ आती हैं उसके संबंध में वो सलाह ले सकते हैं और उन्हें यहाँ इस प्रकार की भी सहायता उन्हें शासन से चाहिए वो सभी सहायता आज यहाँ उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय उनकी उपस्थिति रही, किसान भाइयों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सब एक वर्ष बाद कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, उमरिया जिले में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश के साथ साथ किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती को लाभ का धंधा कैसे मिले उस हेतु की कृषि विभाग के द्वारा मेले का कार्यक्रम आयोजित किया और जो सरकार की स्कीम है, सरकारी जो योजनाएँ आई है उन्होंने पंडाल के माध्यम से उन योजनाओं को किसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह कार्यक्रम किया गया जो आज संपन्न हो रहा है। हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सरकार का, देश के सरकार का, प्रदेश के सरकार का एक ही सपना है कि हमारे किसानों को आगे पहले पंक्ति में लाना है, उसी के उद्देश्य से आज ये मेला कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।